आजकल फैटी लीवर भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? लीवर के फंक्शन हमारी पूरी बॉडी में 500 से भी ज्यादा है, और जब हमारा इतना बड़ा अंग बीमार हो जाता है तो हमारी पूरी बॉडी ही डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। कई बार हाइपर एसिडिटी हो जाती है लीवर बढ़ने की वजह से, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है आपको, और भूख तो आपकी पूरी तरह से बंद होनी शुरू हो जाती है। और एंटीबायोटिक्स इतनी ज्यादा खाई हुई थी इन्होंने कि पूरा शरीर कचरे से भर चुका था। तो जिसका शरीर इतना ज्यादा खराब है अंदर से, उसको नींद अपने आप ही नहीं आती है। और लोग सोचते हैं नींद की दवाइयां खा करके हम सो जाएंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ी हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच वंदना जी, नमस्कार। डॉक्टर विजाता, आजकल फैटी लीवर भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? फैटी लीवर जब हो जाता है तो कई बार एसिडिटी बहुत ज्यादा बननी शुरू हो जाती है, भूख बंद हो जाती है, और इन सारे कारणों की वजह से डाइजेशन भी हमारा इफेक्टेड हो जाता है, डाइजेशन भी प्रॉपर काम नहीं करता है। लीवर के फंक्शन हमारी पूरी बॉडी में 500 से भी ज्यादा है, और जब हमारा इतना बड़ा अंग बीमार हो जाता है तो हमारी पूरी बॉडी ही डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। कई बार हाइपर एसिडिटी हो जाती है लीवर बढ़ने की वजह से, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है आपको, और भूख तो आपकी पूरी तरह से बंद होनी शुरू हो जाती है। खाया जाता है तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जबरदस्ती खाना पड़ता है, गोलियां देकर के सुलाना पड़ता है, नींद भी खत्म हो जाती है। ये सारे सिम्टम आते हैं जब हमारा लीवर फैटी होता है। फैटी लीवर होने पर शरीर को क्या क्या नुकसान होते हैं? जब लीवर हमारा बीमार हो जाता है तो हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है, जब लीवर प्रॉपर काम नहीं करता है तो हमारे जो जूसेस होते हैं खाने के वो प्रॉपर नहीं निकल पाते हैं, तो खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे बॉडी भी हमारी वीक होनी शुरू हो जाती है। और लीवर के फंक्शन हमारे सारे पूरे शरीर से कनेक्टेड है, आपके किडनी के ऊपर, पैनक्रियाज के ऊपर, सबके ऊपर इसका बुरा इफेक्ट आता है। तो लीवर तो एक हमारा मेन हमारा अंग है और सबसे बड़ा अंग है, और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है, कई बार लीवर की प्रॉब्लम की वजह से हमारी स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा सोरायसिस, एक्जिमा की जो प्रॉब्लम होती है ये भी लीवर की वजह से ही होती है, हेपेटाइटिस ए बी सी जो होता है वो भी लीवर की प्रॉब्लम की वजह से ही होता है, कई बार पीलिया हो जाता है वो भी लीवर की प्रॉब्लम की वजह से ही होता है। तो लीवर की एक रोग नहीं है, लीवर अगर खराब होता है हमारा बढ़ता है तो हजारों रोग शरीर के अंदर पैदा होने लग जाते हैं। लीवर का स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या चीज खानी पीनी चाहिए और क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए फैटी लीवर होने पर? जब लीवर फैटी हो जाए तो जैसे आपका शरीर मोटा हो जाता है तो आप सारे चिकनाई वाली चीजें बंद कर देते हैं, ऐसे ही जब आपका लीवर फैटी हो जाए तो आपको सबसे पहले चिकनाई रिड्यूस करनी है अपने खाने के अंदर से, किसी भी तरह की चिकनाई वाली चीजों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। साथ में ही मैदा है, तला भुना, ये सब आपको बंद रखना है, रिफाइंड है या ज्यादा स्मोकिंग है, अल्कोहल है, किसी भी तरह की उत्तेजक चीजें, मिर्च मसाले हैं, ये सब आपको बंद रखना है। चाय, चीनी, मैदा, पकवान, कढ़ी, तंबाकू, लाल मिर्च, मांस, अंडा, शराब किसी भी तरह से इस्तेमाल में ना करें जिनका भी लीवर में कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपको पता नहीं है लीवर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी पूरी बॉडी के हेल्थ में, और अगर इसके अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो पूरी बॉडी आपकी डिस्टर्ब रहती है। क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं फैटी लीवर को ठीक करने के लिए, या फैटी लीवर में थोड़ा बहुत आराम आ जाए उसके लिए क्या घरेलू उपाय करें? लीवर के लिए भी हमें अपनी डाइजेशन को, अपनी आंतों को, पाचन शक्ति को ठीक करना पड़ेगा। जो हमारे चार निष्कासक अंग है गंदगी निकलने के, उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जब वो प्रॉपर गंदगी को अंदर से बाहर निकाल देंगे, लगातार एलिमिनेशन का काम बॉडी के अंदर होता रहेगा, तो लीवर के ऊपर से लोड हट जाएगा।
अभी क्या हो रहा है, क्योंकि आंतें अपना प्रॉपर काम नहीं कर रही है, सिंक से गंदगी नहीं निकल पा रही है, श्वास से नहीं निकल पा रही है, तो लीवर के ऊपर काफी लोड है, गंदगी काफी भरी पड़ी है उसके अंदर। लेकिन जब हम ये चारों अंगों को एलिमिनेशन का काम शुरू कर देते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करना शुरू कर देते हैं, तो लीवर जहर को धीरे धीरे अंदर से बाहर निकालना शुरू कर देता है और अपने आप को डिटॉक्स कर लेता है। इसको कहते हैं लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन करना। तो आपको जरूरत है लीवर को डिटॉक्स करने की, उसके लिए सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा की सारी विधियां इस्तेमाल में करनी है। मिट्टी की पट्टी लगानी है, गर्म ठंडी सिकाई करनी है, पेट की पट्टी स्नान करना है, एनिमा का प्रयोग करना है। लीवर के ऊपर भी आप गर्म ठंडी सिकाई कर सकते हैं, एक टॉवल लेकर के गर्म, एक टॉवल लेकर के ठंडा, बारी बारी से लीवर के ऊपर सिकाई कर सकते हैं। और पेट पे पट्टी, ये बहुत जरूरी है। पेट की पट्टी लगते ही आपकी आंतों के अंदर से गर्मी खत्म होती है, तो लीवर के अंदर से भी स्वेलिंग, सूजन खत्म होनी शुरू हो जाती है। ये सारा प्रोसेस आपको करना है। खाने में ठंडी तासीर की चीजें, घी का जूस, पेठे का जूस, नारियल पानी, पत्तेदार सब्जियों के जूस, आंवला, चुकंदर, गाजर का जूस, ये सब आपको लेना है, जिससे कि लीवर अपने आप को एक्टिवेट करे। और जितना भी तामसिक भोजन है या एसिडिक फूड है उसको पूरी तरह से 100% स्टॉप कर दें, क्योंकि लीवर फैटी होने के बाद भी क्रिटिकल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, लीवर क्राइसिस हो जाता है, लीवर के अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है कई बार। और लीवर अपने आप को स्वस्थ रख सकता है, रिपेयर कर सकता है, ये इसका नेचुरल गुण है। लेकिन कंडीशन आपके जब तक हाथ में है, जब तक प्रॉब्लम ज्यादा बरस से नहीं हुई है, आप परहेज करें और प्राकृतिक चिकित्सा की विधियों का प्रयोग करें, तो आप इसको घर में रहकर के भी ठीक कर सकते हैं। क्या लीवर सिरोसिस होने पर उसको ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, इस बारे में मैंने आपको पहले भी एक बार वीडियो में बताया था कि लीवर सोरायसिस की अगर कंडीशन स्टेज फोर्थ नहीं है, फर्स्ट सेकंड स्टेज पे ही है, तो लीवर सोरायसिस ठीक किया जा सकता है। इसमें पेट में पानी भर जाता है, पेट फूल जाता है बहुत ज्यादा, जब हम पेट पे गर्म ठंडी सिकाई करते हैं, पट्टियां लगाते हैं, कई तरह की कटी स्नान देते हैं, तो पूरी तरह से लीवर सोरायसिस भी प्राकृतिक चिकित्सा में ठीक होता है। आप यहाँ कितने टाइम से हैं और आपको क्या बीमारी थी? मेरे को फैटी लिवर प्रॉब्लम है और मुझे नींद नहीं आता और भूख भी नहीं लगता बराबर। चलिए, मैं पहला बहुत बहुत बार सर्दी काशी का जब भी आता था मेरे को, तो एंटीबायोटिक ज्यादा लेता था मैं, वो लेने का वजह से मेरे को फैटी लिवर हो गया। और जब से फैटी लिवर हुआ मेरे को नींद भी खत्म हो गया पूरा और भूख भी नहीं लग रहा है। और इधर आके मेरे को 10-12 दिन हो गए ट्रीटमेंट चालू करके, अभी 10-15% मेरे को इम्प्रूवमेंट लग रहा है नींद में। आपकी दिनचर्या कैसी है? मतलब आप सुबह से लेके शाम तक क्या क्या करते हैं और क्या खाते पीते हैं? इधर ट्रीटमेंट का टाइम मेरे को सुबह कुंजल क्रिया किया कराया जाता है मेरा, और जल नीति करता है, उसका बाद मिट्टी पट्टी करता है, मिट्टी पट्टी का बाद एनिमा करता है, एनिमा का बाद फिर कटी स्नान करता है, और उसका बाद दोपहर में मिट्टी स्नान किया कराया जाता है, मिट्टी स्नान का बाद फिर से मिट्टी पट्टी, उसका बाद फिर कटी स्नान, ऐसा ये पूरा दिनचर्या है। और खाने में तो सुबह में एलोवेरा जूस दिया जाता है और 11 बजे फल फ्रूट दिया जाता है और शाम को अंकुरित और सलाद दिया जाता है। विचाता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कौन से फल फैटी लीवर होने पर दिए जा सकते हैं? सारे ही फल खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा कई बार जो एसिडिक फूड होता है या एसिडिक फ्रूट भी होता है तो वो हम अवॉइड करते हैं। जैसे सिर्फ एलोवेरा जूस इनको दिया जा रहा है, आंवला जूस हम ज्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आंवला जूस इनको डाइजेस्ट नहीं होता। और वंदना जी, इनको पहले नींद नहीं आती थी, नींद की भी ये दवाइयां खाते थे, और एंटीबायोटिक्स इतनी ज्यादा खाई हुई थी इन्होंने कि पूरा शरीर कचरे से भर चुका था। जैसे जैसे बॉडी के अंदर से एंटीबायोटिक्स का हमारा जो प्रभाव है वो कम होता है, वैसे वैसे नींद भी आनी शुरू हो जाती है। ज्यादातर यहाँ पे रोगी ऐसे ही हैं जिनको रोग तो कुछ और है लेकिन नींद आनी बंद हो गई है।
जैसे ही दवाइयां बंद करवाई जाती हैं, प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार शुरू होता है, तो नींद भी आनी शुरू हो जाती है। आजकल ये कर्नाटक से हैं मोटप्पा जी, अभी सुबह योगा के टाइम पे नहीं उठते हैं। बताइए अपनी बात कि ये सुबह योगा के टाइम पे सोते रहते हैं, पहले कहते थे मुझे नींद नहीं आती है, आजकल योगा के टाइम पे भी सुबह उठ करके नहीं आते हैं योगा के अंदर। तो जिसका शरीर इतना ज्यादा खराब है अंदर से, उसको नींद अपने आप ही नहीं आती है। और लोग सोचते हैं नींद की दवाइयां खा करके हम सो जाएंगे, लेकिन नींद अलग से कोई रोग नहीं है। बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो उसकी वजह से नींद नहीं आती है। तो आप बॉडी के ऊपर वर्क करना शुरू कीजिए, नींद की गोलियां स्टॉप हो जाएंगी आपकी अपने आप ही। डॉक्टर विजेता, क्या दूध देना चाहिए? नहीं, दूध हम बिल्कुल डेयरी प्रोडक्ट्स को सारे ही रोगों में बंद रखते हैं, क्योंकि शरीर को अभी हमने डिटॉक्स करना है, शोधन करना है। तीन प्रोसेस होते हैं इसके, शोधन सबसे पहले बॉडी को डिटॉक्स करो, फिर पोषण, फिर संवर्धन। तो इसलिए अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है वो बॉडी की क्लिंजिंग का चल रहा है। 4 महीने हम बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, 120 दिन का टाइम पीरियड होता है, हमारी बॉडी अपने आप को पूरी तरह से डिटॉक्स करके नया खून बनाती है। ये हम सब जानते हैं कि हर 120 दिन के बाद हमारा नया खून बनता है, पहले वाला जो खून है वो पूरी तरह से बदल जाता है। नया खून शरीर के अंदर जब बनेगा 4 महीने के बाद, डिटॉक्सिफिकेशन पूरा होगा शरीर का, तो अपने आप जितना भी खून के अंदर एसिडिक जो हो चुका था, खून आपका एसिडिक हो चुका था, लीवर बढ़ा हुआ था, कैसी भी प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। लेकिन 4 महीने तक किसी तरह का दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स, घी, दूध, दही सब बंद होता है। केवल मात्र फल, सब्जियां, सलाद, उबली हुई सब्जी और साथ में अंकुरित अन्न, इसके तो फिर ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अभी घर जाएंगे ये, तो घर जाने के बाद इनको हम थोड़ा उबली हुई खिचड़ी, दलिया, इस तरह की डाइट बता देंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रिक्ट डाइट होती है, धीरे धीरे हम मोटे आटे की रोटी भी इनकी शुरू कर देंगे, क्योंकि पहले तो शुरू में ये खुद कहते हैं कि हमें भूख ही नहीं लग रही। तो जब भूख ही नहीं लग रही तो हम इनको फास्ट करवाते हैं, 2-3 दिन के फास्ट के बाद थोड़ा थोड़ा ये कहते हैं अब हमें भूख लगनी शुरू हो गई है। पहले डिमांड पैदा करो शरीर के अंदर, जैसे जैसे डिमांड होती जाएगी हम थोड़ा थोड़ा देंगे, जिससे कि डाइजेशन शुरू हो और आपको खुल करके भूख लगनी शुरू हो जाए। चाय कॉफी की जगह आप क्या देती हैं? चाय कॉफी की जगह इनको नींबू पानी, शहद, एलोवेरा जूस और सब्जियों का सूप, ये पूरी तरह से अलाउड है और कभी भी ले सकते हैं जब भी इनकी इच्छा हो। नींबू पानी, शहद एक अच्छा एनर्जी ड्रिंक है। जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे चाय पीने से एनर्जी मिलती है, थोड़ी देर के लिए वो घोड़े को चाबुक मारने वाला जैसा काम है, थोड़ी देर बाद फिर से आपका शरीर उसी कंडीशन में, उस नशे का आदि हो जाता है। और नींबू पानी, शहद जब आप पीते हो तुरंत उसका ग्लूकोज आपके शरीर में मिल जाता है और एनर्जी आती है। शहद एक नेचुरल ग्लूकोज का काम करता है हमारी बॉडी में। डॉक्टर विजेता, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।